मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लाल बहादुर शास्त्री भवन एनेक्सी लखनऊ। क्या लिखा है, दिनांक 14/9/23 को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री शिव किशोर गौड़ की अध्यक्षता में बार काउंसिल के एक प्रतिनिधिमंडल ने आपसे मुलाकात की थी, जिसमें 14 सदस्य मौजूद थे तथा अन्य सदस्य ऑनलाइन रूप से मौजूद थे। मुलाकात के दौरान आपसे प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने पर जोर दिया गया था। तब आपके द्वारा व आपके साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री प्रशांत कुमार द्वारा भी बैठक में कहा गया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है, परंतु अभी तक आप द्वारा कोई लिखित पत्र बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे अधिवक्ताओं के मध्य बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश व सरकार के प्रति भ्रम की स्थिति बनी हुई है तथा प्रदेश से अधिवक्ता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि सरकार द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए जो समिति गठित की गई है उससे तथा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कब तक लागू प्रदेश में लागू हो जाएगा, इससे लिखित रूप से अवगत कराने का कष्ट करें, क्योंकि कई बार एसोसिएशन में अभी भी एकोमोडेशन के लिए कहा गया है, यानी कि हड़ताल है, हापुड़ में तो हड़ताल अभी भी है। तो अभी क्या स्थिति बनती है, तो अगर कोई भी और भी जानकारी आती है तो आपको सूचना मिलेगी। धन्यवाद।